कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं, इस बारे जानकारी दियो की ऑर्डर करे हैं, की फायदा होया लोगों को? पेरेंट्स एसोसिएशन रायपुरा वालों ओलियंजल पब्लिक स्कूल, बुक पब्लिक स्कूल, शोल्डर पब्लिक स्कूल, पटेल पब्लिक स्कूल, एस डी पब्लिक स्कूल, हैरीटेज पब्लिक स्कूल, जैसपर पब्लिक स्कूल, इन सात स्कूलों के खिलाफ असी एनुअल चार्ज फीसा जो हर साल स्कूल बढ़ा देते हैं वो खिलाफ केस किया। जैसपर स्कूल को मामला ना होने करके वह पहला ही रिजैक्ट हो गया था कि वह डी पी आई को लिखता सी कार्रवाई वास्ते, वह डी पी आई कर रहा जो भी है। बाकी जो छे स्कूल ने इन्हों जो एक स्कूल हैरीटेज पब्लिक स्कूल ले लिया सी बी एस ई का, उन्होंने पहले ही ऑलरेडी रिलीफ देता थे पेरेंट्स को, तो उन्हों का समझौता हो गया से। जो बाकी पांच स्कूल ने होली एंजल पब्लिक स्कूल, मुख पब्लिक स्कूल, स्कॉलर पब्लिक स्कूल, एस डी पब्लिक स्कूल, पटेल पब्लिक स्कूल, इन्होंने जो असी माननीय हाईकोर्ट की निगरानी है जस्टिस अमित दत्त फीस कमेटी जो रिटायर जज ने उन्होंने निगरानी हेठ जो कमेटी बनी हुई थी मोहाली विखे, उत्थे असी अज तो तकरीबन डेढ़ साल पहला असी उत्थे अपील लैके गए थे, तो जो साड़ी सुनवाइया चलिया हूँ उन्होंने फैसले सानू परसों ही मिले ने डाक राही। तो जो मेन है जो स्कूल ने 2010-11 मेन बेस लाइन बनाया फीस स्ट्रक्चर कि 10-11 जो स्कूल वालों तय किया हुआ, स्कूल वालों खुद ही तय किया हुआ फीस स्ट्रक्चर से उसते 12-13 यानी कि 2 साल के स्कूल 20% तो वध जिन्ना वाधा किया गया वो वापस किया जाए। तो 2010-11 मनते हुए 13-14 तक 30% वाधा ला के जो फालतू स्कूल ने लिया वो वापस किया जाए। तो स्कूल वक्त स्कूलों ने जो सोसायटियां या होर फंड दिते हुए थे वो सारे आर्डर के लिखे हुए हैं, तो थोड़ा असं दिते भी ने। तो वो जो फंड ने वक्त स्कूलों ने सोसायटियां या जमीन लैन वास्ते या होर उस स्कूल रिफंड करने वास्ते दिते हैं, तो यह तकरीबन जो अभी सारी अजे जजमेंट ला रहे हैं होर भी सब मोटा मोटा अंदाजा लगे कि 15 to 20 crore रुपए तक जो पेरेंट्स को रिफंड मिलेगा जेकर यह सही तरीके से सारा लागू हो जाए। यह जो फैसला है यह 13-14 तक का है, ये जो थोड़ा अभी प्रॉफिट दस रहे अंदाजा अभी जो लगाया यह 13-14 तक है। जेकर इसे ही आधार बना के असी अगे लैके जाइए तो अं जावे भी जिथे भी सू जरूर सही समझी जो सही प्लेटफॉर्म सू मिले तो वो अकॉर्डिंग हूँ तक तो जे अभी अज तक का लगा दीए तो तकरीबन सू 50 crore रुपए तक पैदा हो सकता है पेरेंट्स को, यह अंदाजा है थोड़ा बहुत घट वध भी सकता है। ठीक है, दूजी गल जिहड़ियां फीसां ने जब वो फीसां 10-11 नूं आधार बना लिया उस अनुसार ही जे अज तक आप लाइए, क्योंकि जिम्मे स्कूलों ने की किया कई सालों के 11-12 or 12-13 90% तक भी कई तरह के फंड बनाए ने, 90% तक एक साल च भी बधाए ने, जबकि 90% बधा नहीं सकते जो तुम सारा आर्डर आया मैं पढ़ लो, तो मतलब कि 35%, 40%, 60%, 90% वो सारा वापस जब फंड आर्डर हो गए थे जो फालतू ने रूलों के मुताबिक, तो उस तो बाद सारिया धिर आजाद ने जो सानू भी फैसला ना पसंद होगा जो सानू का अभी जिन्ना अभी सोचा से सानू उस तो कई गुणा वध प्राप्ति हुई है। गुरप्रीत मुल्ली जी जिहड़ा तुसीं कह रहे हो मतलब कई करोड़ का किन्ने का फायदा होया पेरेंट्स नूं, क्या यह फायदा हो गया या ये अगे जे इन्होंने अगे अपील करती फिर तुसीं अगे भी लड़ोगे? बिल्कुल लड़ांगे, असीं इह लास्ट इह हुण हाई कोर्ट भी जा सकदे ने, असीं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ांगे। हर हाल दे विच जो ये पैसा है जिन्ना ये स्कूल लेट कर जाएंगे उन्ना इन्हों का पैसा देनदारी बढ़ती जाएगी। अभी यह हर हाल के भावें सुप्रीम कोर्ट जाना भावे कितने भी जाना पे अभी बिल्कुल लड़ांगे, अभी लड़ाई लिए पूरी तरह तैयार हाँ, सात का संघर्ष भी लिए तैयार हाँ। जेकर स्कूल अगली कोर्ट से नहीं जाता हर फंड भी नहीं करता वो वास्ते फिर अभी पहले स्कूलों को मिलेंगे, प्रशासन को मिलेंगे, उस तो बाद फिर अभी अपनी जो संघर्ष लौट पे जिस तरह का भी भावें वो धरने हो भावें धुप्पड़ाल हो भावें मनमुक्त भी हो हर तरह का संघर्ष भी करेंगे। गुरमित मोली जी ये हर एक गल जो खास तौर पर है कि अभी कोई भी जो रोस गुजारा करेंगे अभी स्कूल के बाहर या बाहर या कितने भी जावे अभी इस तरीके करवाएंगे, क्योंकि स्कूल अंदर साढ़े ही बच्चे पढ़ते हैं तो अभी बच्चों की पढ़ाई का मतलब कि यह जहाँ कोई रौला रप्पा या यह जहाँ तरीका नहीं होएगा
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਕੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ।